सो वेलकम बैक टू माई चैनल वाटिका। और अभी बरसात हो रहा है काफ़ी, मतलब कि मौसम तो नहीं है बरसात का, मतलब अभी मार्च ही हो रहा है और इसी में बरसात हो रहा है काफ़ी भयंकर बरसात, हल्का हल्का बूंदाबांदी जैसे बरसात ये रेनी सीजन में होता है वैसा हो रहा है, जो कि मेरे पौधा के लिए तो अच्छा है लेकिन क्लाइमेट के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी इस हिसाब से बरसात होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बरसात हो रहा है, तब कहीं कर सकते हैं हम। इसलिए हम थोड़ा सा अपना गार्डन पे थे तो थोड़ा यहाँ का अपडेट दिखाने के लिए शूट करना स्टार्ट कर दिए। पौधा वगैरह थोड़ा अच्छा खिल रहा है लेकिन कुछ कुछ पेड़ है जो मेरा सही से नहीं खिल रहा है, देखते हैं कुछ सब चीज़ को आज के लिए करना क्या है। खैर तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये जो कि मेरा गुलमोहर का पेड़ था उसमें जो ये पूरी तरह से पत्ता अपना गिरा दिया था, अब ये न्यू लीफ निकालने लगा है इसमें, इसको थोड़ा सा अंदर रखे थे वहाँ पर फिर उसके बाद निकालने लगा। और ये एक सीताफल का पेड़ है जिसमें काफ़ी सारा मल्टीपल ब्रांचेज निकाला है, बहुत बेहतरीन लग रहा है ये। फिर यहाँ से देखते हैं तो फिर काफ़ी अच्छे से उग रहा है क्योंकि भी बरसात के लोग को मिल रहा है, ह्यूमिडिटी बना हुआ है, मतलब लगभग कल रात से या परसों रात से ही बारिश हो रहा है और टोटल इस तरह का कुछ मौसम बना हुआ है, मतलब हमको तो अच्छा लग रहा है, पौधे के लिए भी अच्छा है लेकिन क्या ही किया जाता है। अब काफ़ी सारा मेरा ये वेरीगेटेड रियो का प्लांट है जो कि काफ़ी अपने मल्टीपल ब्रांचेस निकाल रहा है, तो ये भी अच्छा ही है। नीम का पेड़ उधर से, वो ड्रेसिना का ये रेड वाला है लेकिन अभी ग्रीन पत्ता निकाल रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह का रहेगा, वो मल्टी ग्रीन और रेड तो मिक्स टाइप रहता है या पूरा ही रेड होता है लेकिन फिलहाल सही से नहीं हो रहा है, शायद उसको थोड़ा धूपा दिखाने की ज़रूरत है। और तो यहाँ पे अम्ब्रेला पाम भी है और आगे काफ़ी सारा पेड़ है लेकिन फिलहाल इधर आए तो ये मेरा कहले इसका नाम भूल जाता है बार बार, खैर ये इसको भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए रहता है और फिलहाल इसको यहाँ पर ले आए ताकि ह्यूमिडिटी थोड़ा बना रहे। लीफ तो काफ़ी सारे निकाल रहा है लेकिन देखा जाएगा क्योंकि मेरा काफ़ी सारा पेड़ अब मरने वाला है, क्योंकि ये वाला भी अपना न्यू लीफ नहीं निकाल रहा है और ना ही वो मेरा वो क्या बोलते हैं उसको बैम्बू का प्लांट, वो भी न्यू लीफ स्पीड में नहीं निकाल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सूखने लग रहा है, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। फिर भी कुछ कुछ पेड़ जो है वो काफ़ी अच्छे चल रहा है, इसकी इस आंवला के पेड़ का भी सारा पत्ता वो गिर गया था, अब ये नया नया लीफ निकालना स्टार्ट कर चुका है, इसे यहाँ पर भी काफ़ी सारा न्यू लीफ निकाल रहा है। काफ़ी सारा ये जो है एक ब्रोकन हार्ट वाला प्लांट, ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है, अनार वाला पेड़ भी, और ये मेरा इमली का बोनसाई वाला बोनसाई फर्स्ट, ये जेड है, ये जीजी प्लांट है, ये ब्लैक रेवन जीजी है, ये अपना बॉल पाम जो हो गया है, या हम इस पानी में इसको एक ये कमल का एक बिया डाल दिए थे जो कि उगने लगा है और ये वाला थोड़ा सा ऊपर वाला सूख भी गया है इसलिए इसको तो ज़्यादा पानी डाले हुए हैं, देखते हैं कि किस हिसाब से अब उगेगा किस हिसाब से नहीं उगेगा। यहाँ पे ये वाला देखिए इस कंटेनर में तो कितना बेहतरीन लग रहा है, मतलब ऊपर से लीफ निकल रहा है, इसको उठाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, अगर ये पूरा लकी चारों तरफ से फैला हुआ रहा है उसके बाद। ये भी उसी का वैरायटी है, बस इसमें ये ज़ेब्रा पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, ये जो ज़ेब्रा पैटर्न है इसमें दिखता है लेकिन इसमें पूरा ग्रीन है, यही अंतर है इसका। और ये एक और पीकॉक कलेथिया है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा सा खिला हुआ है, ऊपर की तरफ भी बारिश हो रहा है और यहाँ कुछ कुछ पानी रखे हुए हैं, ये बॉक्सटन फर्न है, चलिए ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। यहाँ इमली वाला सब लगा हुआ है जो काफ़ी सुंदर सा खिल रहा है क्योंकि अभी बरसात हो रहा है तो काफ़ी अच्छा इम्यूनिटी बना हुआ है, तो इसका पत्ता पर भी खुल रहा है तो सुंदर भी लग रहा है। ये तो बोनसाई के लिए तैयार हो गया, मतलब थोड़ा और ब्रांचेस चाहिए फिर अच्छा लगेगा वो भी। यहाँ पे ये सब कुछ हाल है और हम भी भींग रहे हैं, अब इसका ये पेड़ भी काफ़ी अच्छा हो गया और ये करी पत्ता और ये एक और पाम, यहाँ फ्लावर भी काफ़ी सारा हो गया और वो सदाबहार वाला वेरीगेटेड, खैर बारिश में ज़्यादा ही भींग रहे हैं। और ये देखिए ये एक और काफ़ी सुंदर लग रहा है, बरसात के वक्त यह और ज़्यादा सुंदर लगता है जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है काफ़ी बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब यहाँ से थोड़ी देर पहले विंट फ्लावरिंग अभी उगा हुआ था तो वो और भी अच्छा लगता था लेकिन अब तो वो मुरझा गया है पूरी तरह से, लेकिन ये ग्रीनरी है इसके कारण अभी भी ये इसका ब्यूटी ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसको हम खाद देंगे अभी
तो खाद का भी मंगवाना पड़ेगा। ये देखिए एक और एक फूल खिल रहा है इसमें, ये इसका अगस्त्या का नाम है इस पेड़ का। ये काफ़ी सारा अपना वो वंडरिंग जीव, नहीं वंडरिंग जीव शायद इसको बोलते हैं, इसको टोटल वाइन बोलते हैं हम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भींग रहे इसलिए इसको वीडियो को हम यही खड़ा पड़ता।